इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरओपी क्यों होता है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी क्यों होती है। जानने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रेटिना का नॉर्मल डेवलपमेंट कैसे होता है। गर्भ में शिशु के 16 हफ्तों में रेटिना में जो ऑप्टिक नर्व है या सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना है, उसमें से खून की नलियाँ बनना शुरू होती है। यह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है, यानी पेरिफेरल रेटिना की तरफ बढ़ती है। इस तरह जब बेबी फुल टर्म यानी कि 40 हफ्ते कंप्लीट करता है, तब तक रेटिना का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। पर अगर जल्दी जन्म लेता है यानी कि प्री टर्म या लो बर्थ वेट बेबीज में यह डेवलपमेंट अधूरा रह जाता है, यानी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती या ब्लड सप्लाई इनकम्प्लीट रह जाती है, यानी पूरी नहीं हो पाती। तो इस पेरिफेरल एरिया में जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाई है, वह एरिया अवैस्कुलर या नॉन वैस्कुलराइज रह जाता है। इस अवैस्कुलर एरिया में जब बाहर आने के बाद अब नॉर्मल डेवलपमेंट बनने लग जाती है, तो यह अब नॉर्मल ब्लड वेसल्स जो है वो काफ़ी नाजुक होती है और बार बार ब्लीड होती है। यह ब्लीडिंग के बाद पर्दे पर खिंचाव निर्माण करती है और इसी से पर्दा सरक जाता है, जिसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। आरओपी यानी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी के एडवांस स्टेजेस में ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट या पर्दा सरक कर बेबी को अंधापन आ जाता है।